alit is an examination conducted by a prestigious university called NLU Delhi that is National Law University of Delhi conducts this examination for the 5 year law program in this video we are going to talk everything about this exam what is the eligibility paper pattern criteria what are the topics how to prepare for this examination let's start with this video hi guys i'm ayushi your mentor for law entrance exams and welcome to law digest first up let's look at the eligibility criteria what is it that great ट्वेल्थ में आपके फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए एंड इफ यू आर फ्रॉम एस सी एस टी पर्सन विद डिसिटी कैटेगरी फोर्टी परसेंट ऑल्सो इफ यू आर अ फॉरन नेशनल इन ग्रेट ट्वेल्थ Speaking of seats, seats in total are 123. For the unreserved category, the seats are 50 in number. If you belong to any of the categories, these are the seats that are available. You can pause the video and check what is the seat number applicable to you. Now, speaking of the paper pattern, this examination will conduct.

speaking of the fee structure fee structure may 85000 per annum is the fee structure that is given for this examination uh, considering it's a five year law program 85 into 5 will be your fees then time uh, on the broad exam pattern is uh, decoded here uh, का पेपर है सो इन टोटल यू हैव 90 मिनट्स टू सॉल्व दिस पेपर वन फिफ्टी मार्क्स का पेपर है सिलेबस इज मैंशन नाउ वी विल डिस्कस इन इंडिविजुअल दैट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड कैसे कवर करने हैं दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न दैट I have uh, figured out for you what are the topics that you need to do. I have analyzed the past year papers to come out to a conclusion that what all you need to prepare. Figure of speech आपको पता होना चाहिए. English की अब हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले, figure of speech is basically uh, your uh, metaphor, simile, uh, irony, oxymorons. ये सब आपको पता होने चाहिए कि ये figure of speech होते हैं पहली बात तो इंग्लिश में एंड इन uh, को कैसे कैटेगराइज किया जाता है हाउ कैन दे बी डिफ्रेंशिएटेड देन सिनोनिम्स एंटेनिम्स बेसिक वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रूल्स हैं इंग्लिश के यू विल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगता है ऑल दिस यूनिट टू नो सब्जेक्ट वर्ब इडियम एंड फ्रेजेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाउ टू कवर इंग्लिश वॉट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू द बुक ऑफ रेन एंड मार्टिन फॉर ग्रामर एंड द बुक ऑफ नॉर्मन लूइज फॉर योर वोकैबलरी Reading comprehensions you can practice from the internet, and on the whole, you can practice questions for English from the internet or from any self guide book that is available. There are many self guide books available, like Universal, Singhal, Arihant. You can pick up any and practice questions from there. जहां पर आपको प्रिंसिपल दिया है और आपको फैक्ट्स पर उस प्रिंसिपल को लगा के यू हैव टू कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन देन यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन इन देंस दैट आपसे पूरा पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं पूछी जाती है इन द लीगल पार्ट वॉट यू आर आस्ट इज मोस्टली लीगल रीजनिंग यूनाइटेड नेशंस लीगल करंट लैंडमार्क जजमेंट बिल्स एंड एक्ट सो कॉन्ट्रैक्ट डॉट आई पी सी इनकी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की जरूरत नहीं है बट लीगल रीजनिंग यूनिट टू डू प्रॉपरली लीगल रीजनिंग के लिए वॉट यू हैव टू डू इज जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको ठीक है ये पता होना चाहिए टर्म वाइकेरियस लाइबिलिटी वगैरह होता क्या है बट देन आर नॉट टू बी अप्लाइड टू दीज क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सॉज लीगल रीजनिंग यू कैन वॉच दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल एंड ऑल्सो आई हैीगल रीजनिंग ऑन माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट लॉ डायन वेर इन आई हैव एक्सप्लेन क्लियरली दैट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन वेदर एंड हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट वॉट आर द बेसिक गोल्स रूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चन देन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप किसी सेल्फ गाइड बुक से सॉल्व कर सकते हो वट एवर बुक यू रिजॉर्ट टू कमिंग ऑन टू यूनाइटेड यूनाइटेड देशन यू कैन कवर थ्रू द इंटरनेट और फ्रॉम द सेम सोर्स ऑन द वेबसाइट then legal current is very very important for this examination since they don't ask you concepts from other legal areas legal current becomes very important here now you can check our playlist on legal current affairs that will give you an insight as to what kind of legal current affairs you need to cover but uh, what i would say is that the course that we have available on legal current affairs is very relevant and applicable for this examination because this exam does ask good amount of questions from legal current and we cover those in our uh, module, which will be really helpful for you. Then, landmark judgments, uh, these are also covered, some of them are available in the free material uh, section that is available on our website.

शन हुआ है कोई साइंस रिलेटेड न्यूज है डिफेंस बजट सुपरलेटर्स बींग फर्स्ट स्टेट टू डू समथिंग फर्स्ट कंट्री टू डू समथिंग So, these you need to cover static GK as we've already uh, seen earlier in the syllabus. That in static GK, you need to cover general science, history, geography, economics, and civics. That is what you need to cover. Then, current affairs, what you can uh, refer to is that newspaper is always the best source to cover current affairs. If you can prepare notes daily from the newspaper for current affairs in these sections, nothing like it. If not, then you can refer to GK today.

then coming on to the math section in maths what you need to do probability time and work geometry ratio proportion simple interest compound interest time speed distance then profit and loss uh, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं एज नंबर सिस्टम एंड एवरेजेस सो ऑल दिस यू नीड टू कवर इन मैथ्स इज ऑफ एलिमेंट्री लेवल सो आपको ग्रेड टेंथ तक का मैथ्स आना चाहिए यू कैन कवर इट फ्रॉम कैन कवर फ्रॉम आर एस अगरवाल ऑल्सो यू कैन वॉच यूट्यूब अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दाम नाउ इफ यूर अपेयरिंग फॉर एलिट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ जून इज द लास्ट State of filling the forms and 30th July is when the paper is. So prepare accordingly if you haven't filled the form as of now and you plan to do law, uh, then you can fill up the forms even now and you can appear for this examination that will be conducted in offline manner and in case you have any further doubts or queries with respect to this examination or any other examination in general you can mention the same in the comment box below don't forget to subscribe to this channel and also follow us on instagram so that you keep getting uh, regular updates as well as uh, snippets on legal knowledge uh, that might be helpful for you in future and also, you can reach out to me through various social media platforms that I'm available, or in case of any other queries.